कितनी दफा कैसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट शायद वो चीज हमारे नसीब में नहीं होती या किस्मत में ही नहीं होती, या फिर यू कह सकते हो कि मेकर्स खेल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे की जो जर्नी रही है झलक दिखला जा की, बहुत कमेंडेबल थी और ऑलमोस्ट हर किसी ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया और सब एक ही बात कह रहे थे कि भाई इस बार तो शिव ये शो जीत जाएगा। दोस्तों, हो ना हो, कोई एक गांव कस्बे से पुणे से यहाँ तक पहुँचना, वहाँ मेहनत करना और उसके बाद रोडीज़, रोडीज़ के बाद फिर समझ लीजिए मराठी बिग बॉस, फिर हिंदी बिग बॉस और उसके बाद झलक दिखला जा। दोस्तों, एक रियलिटी शो किंग का टाइटल मिलना, रियलिटी शो स्टार का टाइटल मिलना, ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि डिज़र्विंग हो और आपको ही जब किसी रेस से बाहर कर दिया जाए तो इसमें इस चीज़ में तकलीफ थोड़ी सी होती है। दोस्तों, हाल फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो शिव ठाकरे टॉप 5 के पहले ही खतरों के खिलाड़ी से माफ़ी चाहता हूं, झलक दिखला जा सीज़न 11 से आउट हुए और उनके आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही लेवल का तहलका जो है उनके फैंस ने मचाया, अलग ही लेवल का बवाल होता हुआ दिखा। और उसी के साथ साथ इस समय जो अपडेट आ रही है, और मैं मानूंगा इस चीज़ को कि शायद हो सकता है शिव ने इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया होगा और कहीं ना कहीं उनके मन में चीज़ ज़रूर रही होगी कि ये अगर ये करने पे मेरा ही फायदा है, हो सकता है। बिकॉज़ अभी जो सेट से अपडेट आ रही है वो ये है कि भाई शिव ठाकरे जो है उन्होंने ये चीज़ चूज़ की है कि वो झलक दिखला जा के फिनाले में नहीं आएंगे, झलक दिखला जा का फिनाले अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कुछ मैं शिव ठाकरे के फैंस का रिएक्शन पढ़ूँ तो किसने लिखा, शिव ठाकरे इज पॉपुलैरिटी वॉज यूज फॉर द सेक ऑफ द शो एंड देन दे थ्रू हिम आउट, ही पुट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट अबाउट दिस डैम शो, गुड डिसीजन इंडीड। उसके बाद किसने लिखा, वेरी गुड डिसीजन। फिर किसने लिखा, बेस्ट डिसीजन भाई, ये शो ही फिक्स था, शिव को नहीं करना चाहिए था ये शो, शिव का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है समय ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।